नमस्कार दोस्तों, प्रकाश डॉट पी ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रकाश और आपका स्वागत करता हूँ चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में, जिसे बनाने वाले श्री मून सॉरी नेकचंद जी हैं और इन्होंने अपनी एक तरीके से जान डाल दी है इस आर्किटेक्ट में। तो मेरे साथ बने रहे और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया आगे इसी तरीके से नज़ारों का लुत्फ लेते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों ये एक दोस्तों आप जो ये एक एक मेहनत देख रहे हैं, एक एक पत्थर को इसकी नक्काशी आप मान लीजिए, इसकी नक्काशी करके बनाई गई। ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, ऐसे बनाया गया है, लेकिन बिल्कुल नेचुरल ही लग रहा है। ये दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। Keep this garden clean, it's your property. तो ये देखिए कबूतर यहाँ पे ये वो हिस्सा था जहाँ पे हम पहले झरने को देख रहे हैं। हम उधर ही से आ रहे हैं, आ जाओ। जाने कैसे उधर? ये तो किला लग रहा पूरा, बस। दिस इज रॉक गार्डन माय फ्रेंड, नॉट अ फोर्ट, नॉट अ किला। नहीं यार, हम लोग उधर से आ रहे हैं। जाने उस पे चढ़ जाए, चढ़ना पड़ेगा क्या? मामा बोले देखो देखो उधर,
वाओ दोस्तों है ना माइंड ब्लोइंग। मिनट में आए चलो, इतना टाइम हो नहीं आता। ये पॉइंट हुआ करता था जिसमें कॉइन डालते थे लोग। अब ये पानी है, पानी यहाँ का ख़त्म। दोस्तों ये यहाँ का मन्नती कुआं है जिसमें कॉइन डालते हैं और मन्नत मांगते हैं। आइए दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉन म्यूजियम फेस 3 है और इस साइड एग्जिट है। तो क्या आप एग्जिट होना चाहेंगे? नहीं ना, चलिए म्यूजियम की तरफ चलते हैं। Thank you.
बस यही है अब आगे पानी के अंदर कूदना, तैरना, फोटो खींचना सख्त मना है, खिंचवाना सभी। दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, आई कांट कंट्रोल इट, सो प्लीज सब्सक्राइब। इसका फर्क उनके रंगदार पहनावे, रहन सहन, मौन के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त को प्रदर्शित कर बखूबी निभाया गया। ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ये कैसे बना और वर्ग के बीच की असमानता को कम, लेट अस सी, आज भी समाज को आईना दिखाने में सक्षम है। ये कुआं परंपरागत विधान और प्रचलन की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। यहाँ औरतें घर के लिए जरूरी पानी भरने आती हैं, महिलाओं का रास्ते में थक कर बैठ जाना आगे के सफर की दूरी की कहानी खुद बयां कर रहा है। आज के स्वरूप में भी ये सब कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान रूढ़िवादिता को प्रदर्शित तो करता ही है। तीसरे भाग का निर्माण आज की स्थिति को मद्देनजर रखकर गतिविधि केंद्र के रूप में किया गया है। ऐसे हिस्सों को पहले कभी चौगान के नाम से जाना जाता था। ऐसी जगहों को प्रजा दिल बहलाने और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाते थे। कवन चला जाए, दोस्तों आगे चलते हैं। वैसे ही चौगान का प्रतिरूप लेकर एक विश्व स्तरीय एक्वेरियम व लाफिंग हाउस के साथ साथ डॉल म्यूजियम से सुसज्जित है। ये डॉल म्यूजियम अपने आप में पूरे गांव की छवि प्रस्तुत कर अलग छाप छोड़ते हुए बनाने वाले की विचार प्रक्रिया विरासत का एक नया आयाम प्रदर्शित करता है। और दोस्तों ये तीसरा फेज है, थर्ड फेज ऑफ रॉक गार्डन यू आर वॉचिंग राइट नाउ। अद्भुत, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय। ये एक्वेरियम है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं फिशेस हैं यहाँ पे।
आइए चलिए एक्वेरियम भी देख ही लिया जाए। दोस्तों बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये वो चीज़ें हैं जो आकृतियाँ बदल देते हैं आपकी। यहाँ में बड़ा हो गया शाहरुख खान जीरो हो गया। यहाँ पे अमिताभ हो गया लंबा हो गया। फिर मैं क्या कई चीज़ों को देखता दोस्तों। रॉक गार्डन मेक्स दिस डे रॉकिंग। और ये हमारे सूर्य देवता सुबह के साथ ही शाम हो रही है अस्त होने को है और यहाँ बारिश भी शुरू होने वाली है या कहें हो चुकी है। ये झूला है दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और इससे पहले का वीडियो देखना मत भूलिएगा जिसमें मैंने स्टार्टिंग किया था कि कैसे एंटर हुए रॉक गार्डन में कला ग्राम। दोस्तों अभी तक का ये सफ़र आपको कैसा लगा रॉक गार्डन का ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए बिकॉज फ्रेंड्स इट्स टोटली फ्री। देन गो टू चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रकाश डॉट पी व्लॉग्स। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।